फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिक मेंटोरशिप ई क्लासेस। हम बात कर रहे थे राजेश की। राजेश अपने मेंटोर से कोचिंग स्टार्ट कर दिया है और ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। कल राजेश के मेंटोर ने उसे ग्रामर बताया, ग्रामर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और राजेश के मेंटोर आज उसे डेफिनेशन की डेफिनेशन बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सो डेफिनेशन की डेफिनेशन राजेश के मेंटोर उसे बताते हैं कि डेफिनेशन बेसिकली डिफाइन दो वर्ड से मिलकर बना है, डी प्लस फाइन। डी का मतलब होता है डाउन यानी गहरा, डेप्थ, और फाइन इसमें फाइन का मतलब फाइनेस्ट पार्ट, ठीक है, तो सबसे अच्छा पार्ट है उस चीज़ का। अब डेफिनेशन समझते हैं। प्रेजेंटिंग द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ एनी थिंग, किसी भी चीज़ का फाइनेस्ट पार्ट। अच्छा, किसी भी चीज़ का फाइनेस्ट पार्ट, किसी भी टॉपिक का फाइनेस्ट पार्ट को प्रेजेंट करना डेफिनेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नाउन की डेफिनेशन बताते हैं तो नाउन का क्या सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्या उसका सबसे फाइनेस्ट काम है, क्या करता है नाउन, क्या होता है नाउन, ये आपको बताना होता है डेफिनेशन। और डेफिनेशन की डेफिनेशन यही है, प्रेजेंटिंग द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ एनी थिंग, ऑफ एनी, आई कैन राइट हियर टॉपिक, ऑफ एनी टॉपिक, इट इज कॉल्ड डेफिनेशन। तो राजेश के मेंटोर उससे डेफिनेशन की भी डेफिनेशन सिखाते हैं। अब राजेश अपने स्कूल जाता है और अपने दोस्तों से पूछता है, हे फ्रेंड, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन। तो वो उससे कहता है, हे, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन, आई डोंट नो। तो उसकी अपने क्लास में इंग्लिश बढ़ जाती है। अब आगे चलते हैं टॉपिक पे, सेंटेंस। उसके मेंटर उसको सिखाते हैं कि भैया देखो, सेंटेंस की डेफिनेशन खाली ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस, इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस, बिकॉज केवल वर्ड्स का हम एक ग्रुप बना दें और उसको कैसे भी लिख दें तो क्या वो सेंटेंस होगा? नहीं। उसके मेंटर उसे कहते हैं कि तुम कुछ भी लिख दो, गुड बॉय इज, यहाँ पे ही, तो क्या ये सेंटेंस है? नो, बिकॉज इसका कोई करेक्ट मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस दो वर्ड से मिलकर बना है, सेंस जो कि यहाँ पे आएगा कि ये सेंस बनना चाहिए, इट मस्ट हैव अ सेंस, उसके अंदर कोई सेंस निकलना चाहिए, कोई मीनिंग निकलना चाहिए। और टेंस, टेंस मतलब टाइम प्लस सेंस, टेंस को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पास अपना एक टेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ ही इज अ गुड बॉय, तो वो एक अच्छा लड़का है, तो है अभी है वो अच्छा लड़का, ठीक है, ही वॉज अ गुड बॉय, नहीं वो अच्छा लड़का था नहीं, वो भी एक सेंटेंस है, तो वो था, पास्ट हो गया, ठीक है, ही विल बी अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अब इससे क्या है, क्लियर हो जा रहा है कि किस टाइम की बात हो रही है। तो सेंटेंस के पास एक मीनिंग होता है, प्लस उसका एक अपना टेंस होता है जिसे समझ में आ जाता है कि वो किस टाइम की बात है। और अगर किस टाइम की बात है समझ में ही ना आए, या फिर उसका कोई सेंस ना क्लियर हो, तो वो इन चीज़ सेंटेंस नहीं हो सकती है। ये चीज़ें राजेश के मेंटर उसको सिखाते हैं और धीरे धीरे राजेश का ग्रामर बेहतर होता जाता है। अब आगे देखते देखते राजेश अपने क्लास में टॉप भी करेगा, तो उसको टॉप कराने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।